Yeah. Kiran ji, आप अपने साथ में अपने साथियों का परिचय करवाइए। अच्छा, माई नेम इज़ किरण कुमार। ओके, ये है मिस्टर संतोष जी, संतोष कामले, और ये है मुतु जी है। सो दैट्स इट। सर, फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है ये एक योद्धा शूरवीर, जो हिंदी फिल्म है, जो बहुत ही जल्दी आपकी 11 तारीख को रिलीज़ हो रही है परसों। एंड डेफिनेटली यू कैन गो एंड वॉच इट एंड एंजॉय इट। किस तरह की मूवी है ये? जी ये या टॉक टू किस तरह की मूवी है? ये पिक्स फिल्म है, एक योद्धा शूरवीर करके मलयालम में पहला, अभी हिंदी हम लोग ने डब की है। नहीं, आई एम नॉट गेटिंग। हॉलीवुड का लुक है? अच्छा, सी हॉलीवुड का लुक इसीलिए है कि अगर आप इस फिल्म का अगर देखा जाएगा तो इट्स अ कम्प्लीटली एपिक स्टोरी है, जैसे मेकिंग ऑफ स्टाइल है। जैसे कि संतोष जी है, संतोष शिवन, ही इज़ लाइक ए लेजेंडरी है, इंडियाज बिगेस्ट सिनेमाटोग्राफर है। तो बस ये फिल्म का मेन एरा जो है वो 1524 का 16वीं सदी की फिल्म है ये। तो कॉस्ट्यूम और मेकिंग स्टाइल जो रखा है तो वो 16वीं सदी का रखा हुआ है, तो इसीलिए इसका कॉस्ट्यूम हम लोग ने वही रखा है। सर, आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, बिजनेस की अगर बात करें, इस तरह की फिल्मों का कितना मार्केट है आजकल? बिजनेस में अभी जो ऑडियंस के ऊपर है, पूरा ऑडियंस को पसंद आएगी तो अपने आप दूसरा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करके ऑडियंस दूसरा ऑडियंस लेके आएंगे। शूट कहाँ कहाँ पे किया गया इसका, अगर बात करें शूटिंग की, अगर बात करें कहाँ कहाँ पे, लोकेशंस क्या क्या है? सर, वर्चुअल सेट है सर, ये शूट हम लोग ने किया है। शूट साउथ फिल्म है, साउथ फिल्म में अभी बाहुबली जैसा राइट्स लिया ना, ऐसा राइट्स लेके हम लोग कर रहा है, पूरा वर्ल्ड वाइड राइट्स अपना है। सो शूट संतोष शिवम का है। स्टोरी है अपना अंग्रेजी वाला वास्को डा गामा इंडिया में कैसे आया है, जो वहाँ से स्टोरी इंडिया में वास्को डा गामा आने के टाइम पे इंडिया कैसा था और इंडिया में आने के बाद उन लोग कैसा गपचा किया है, वो बेस में स्टोरी है। और उनको निकल हटाने के लिए अपना इंडियंस कितना स्ट्रगल किया है वो बेस है। किरण जी, इसके स्टार कास्ट कौन कौन है वो बताइए आप। जी, स्टार कास्ट की बात करें तो बड़े बहुत गया, विद्या जी है, विद्या बालन जी है, प्रभुदेवा जी है, पृथ्वीराज है, जेनिलिया डिसूजा है, अमोल गुप्ते जी है, बस ये सारे स्टार कास्ट है। साउथ की मार्केट, फिल्म की बहुत बड़ी मार्केट है, काफ़ी सारी फिल्में हैं जो वर्ल्ड वाइड पूरा फेमस है और उसको हिंदी में अभी डब किया जाता है। सी अगर देखा जाएगा, अगर हम लोगों का आज के टेस्ट का देखा जाएगा, मार्केट की बात करेंगे तो लोगों को आज अलग चाहिए। सी पीपल वॉन्ट टू एंटरटेन, एन्जॉयमेंट चाहिए, और आजकल का लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है डेफिनेटली बहुत बढ़ चुका है, तो उनको एक अलग से एपिक स्टोरी में ज़्यादा से दिलचस्पी है, अलग कुछ चाहिए उनको, तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा लोगों को। ये सारी फिल्में हैं जो साउथ की फिल्में हैं जो भी मतलब इंडिया में अभी जो इसमें हिंदी में बॉलीवुड में आ रही है, नाम चेंज कर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सी ऐसा कुछ नहीं है, इसे फिल्म मेकिंग इज फिल्म मेकिंग है, आप बॉलीवुड ले लो या साउथ ले लो, एंड ऑफ द डे जो अच्छा फिल्म होगा अच्छा कंटेंट। सिंगम है, जी हाँ, साउथ में बना। सी देखिए ऐसा को साउथ में अगर अभी देखिए ट्रेंड चल रहा है साउथ के फिल्में आना, बट इट्स नॉट अबाउट दैट, हमारे बॉलीवुड में भी है फिल्में अच्छी है, अच्छी फिल्में बनेगी तो डेफिनेटली साउथ हो या बॉलीवुड हो सबको अच्छा लगेगा। इसको तो अभी फिलहाल हम लोग ने पैन इंडिया रिलीज़ किया है, एक्सेप्ट साउथ, साउथ को छोड़ के हम लोग पूरा पैन इंडिया रिलीज़ कर रहे हैं, और ओवरसीज का भी हम लोग वी आर ट्राइंग। पाइपलाइन राइट नाउ वी हैव टू प्रोजेक्ट्स लाइन अप, बट आई कैन रिवील राइट नाउ एनीथिंग राइट नाउ, वंस वी फिनिश दिस देन वील गो फॉर द नेक्स्ट इन अनाउंसमेंट एंड ऑल। हिंदी में डब करना एक रास्ता खुल गया है फिल्मों का, हर कोई प्रोड्यूसर बन सकता है आज की डेट में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सी क्या है कि अभी तक का जो आफ्टर बाहुबली व्हाट हैपेंस, विल पीपल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मेकिंग ऑफ द साउथ फिल्म्स एंड ऑल, तो एक डब फिल्म भी किस लेवल पे जा सकती है ये हम लोगों को बाहुबली ने डिसाइड, मतलब ऑलरेडी उसका हो चुका है, सब कुछ पता चल चुका है लोगों को। सो हमारा ये नहीं कि वी आर ओनली लाइक वी आर प्लानिंग फॉर द रिलीज ओनली फॉर बिकॉज ऑफ आवर स्टार कास्ट। अगर आप फिल्म की स्टार कास्ट देखोगे तो फिल्म भले ही साउथ है बट इसका स्टार कास्ट पूरा नॉर्थ इंडियन है, एंड एवरीबडी नोज इन बॉलीवुड और लाइक नॉर्थ में भी ये सारे स्टार कास्ट सबको जानते हैं, तो दैट इज़ वॉट ओनली वी आर थॉट कि वास्को द गामा के ऊपर कई लोग जानते नहीं है पहली बात, तो दैट इज़ वॉट अगेन द वन मोस्ट बिगेस्ट रीज़न कि लोगों ने हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ वास्को द गामा को पढ़ा है बट उतना नहीं जानते कि एग्जैक्टली क्या था उनकी स्टोरी, तो ये फिल्म इज ऑल अबाउट वास्को द गामा। सॉरी, आर्टिस्ट जैसे विद्या जी है, मैंने बताया इनका किरदार आप देखोगे तो पता चल जाएगा। सी हम लोगों का देखिए, हम लोगों ने किरदार के बारे में अगर आप देखेंगे आप तो हर एक का किरदार का अच्छा अच्छा सबका अपना अपना रोल है, जैसे जेनिलिया है, विद्या जी है, तबू जी है और अमोल गुप्ते जी है,
बड़े बड़े रोल्स कैरेक्टर्स उनके अच्छे हैं सबके, तो यू कैन डेफिनेटली वॉच एंड